आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी की, जो कि थर्सडे को होने वाली थी, लेकिन ईद के अवसर पर उसको एक दिन पहले कर दिया गया है। तो कल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई देखने को मिलेगी। किधर होगी, कैसे होगी, क्या होगी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है, आप क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड उसी के साथ अगर अभी तक आपने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी लास्ट वीक जैसा हुआ एक्सपायरी के एक दिन पहले निकालना था, तो लास्ट थर्सडे अच्छा मौका था निकालने का। घूम फिर कर हम उधर ही आकर खड़े हो गए हैं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। कल उम्मीद ये की जा रही है मोस्ट ऑफ़ द पार्टिसिपेंट्स से कि कल निफ्टी एक नया हाई जड़ देना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी है। डेटा बहुत हैवी है, हैवी डेटा सपोर्ट करेगा शॉर्ट कवरिंग को, एंड वो कहीं ना कहीं निफ्टी को हायर साइड के ऊपर जाके कहीं ना कहीं गड़ा देगा। तो कल के लिए मेरा व्यू, अभी तक प्रीवियस 2 हफ्तों से व्यू सिमिलर है। बेचना बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है, मार्केट एक रेंज में रहा है। अब अगर देखा जाए ऑप्शन सेलर के ज़रिए से, अगर हम सोचें कि जो मार्केट में बेचता है ऑप्शंस को बेचता है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, वो ये चाहेगा कि 99% तो वो यही चाहेगा कि एक्सपायरी आपकी 18,880 के नीचे एंड 18,600 के बीच में, यानी 18,900 से 18,600 के बीच में कहीं पर भी एक्सपायरी हो जाए, वो बहुत खुश होगा, क्योंकि 2 हफ्ते से उसने जो ऑप्शन बेच रखे हैं उसमें उसने एक अच्छा प्रॉफिट वो बुक कर लेगा। दूसरा, जो लास्ट वीक होल्ड करके गया, जो लास्ट वीक तक बचा बचा के गया है अपने ऑप्शन को, अब उसने क्या इस डाउन मूव के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया, या हेजेस क्रिएट कर लिए, या उसने रोल ओवर कर लिया, अब उसका जवाब कल मिलेगा। अगर कल आपको निफ्टी एट एनी कॉस्ट, अब ध्यान दीजिएगा, निफ्टी एट एनी कॉस्ट 18,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल जाए फर्स्ट 15 to 20 मिनट, अभी आज लास्ट में जो मूव आया HDFC बैंक के चक्कर में जो भी हुआ ठीक है, कल मॉर्निंग में खुलने के बाद अगर गैप अप खुले, फ्लैट खुले, कैसे भी खुले, 18,800 के ऊपर अगर टिक जाता है 15 से 20 मिनट, 30 मिनट टिक जाता है, वही रेंज का लो आपका डे लो होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, एंड निफ्टी फिर एक नए हाई की तरफ जड़ देगा 18,900, 19,000 जहाँ तक उसको जाना है, फिर ऊपर का हमें नहीं पता, हम उसको कैरी कर सकते हैं। गैप अप ही खुल गया, नया हाई लगा दिया गैप अप के साथ ही, तो फिर ठीक है, तो फिर आप ट्रेड कर लीजिए आपके हिसाब से, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद मोस्टली जो वीक प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। गैप डाउन खुल गया तो अब गैप डाउन के लिए भी लेवल जो निकल के आ रहा है 18,775 के नीचे अगर गैप डाउन खुले एंड 15 मिनट सस्टेन करे, तभी ही कहीं ना कहीं आपको नीचे का मूव देखने को मिलेगा। वरना अगेन अगर 18,800 780 के आसपास खुलता है, मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट होके थोड़े से देर टाइम पास करके ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, गैप डाउन खुलेगा तो आपके लिए रेंज निकल जाएगी 18,675, 100 पॉइंट नीचे, और ज़्यादा हुआ तो 18,600 हुआ तक, उसके नीचे कल बहुत धड़म करके गिर जाए, ऐसा कल के लिए व्यू नहीं है अंटिल एंड अनलेस 18,650 के नीचे। अगर ये 2-2.5 बजे के बाद ब्रेक करता है 18,650, तो उसके बाद देखिए 100-150 पॉइंट 18,550 18,600 तक जाना ईजी बात होगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, पोजिशन काफ़ी ज़्यादा हैवी होगी, तो मार्केट नीचे जा सकता है। गैप अप खुलेगा तो नया हाई जड़ेगा, फ्लैट खुलेगा तो नया हाई जड़ेगा, ये है सिंपल सा व्यू। रेंज बाउंड कल रहने के चांसेस कम है, रेंज रहेगी भी तो बड़ी रेंज रहेगी, ऐसा नहीं कि 100-150 पॉइंट में निफ्टी पूरा दिन निकाल देगा, उसके चांसेस कम है। 150 से 200 पॉइंट की रेंज कल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर रेंज रहती है तो। रेंज नहीं रहती तो बेसिकली न्यू हाई, हायर साइड, लोअर साइड 18,775 के नीचे अगर सस्टेन करेगा 15 से 20 मिनट, तब हम कहीं ना कहीं नीचे के लिए सोचेंगे, अनटिल एंड अनलेस हमें नीचे के लिए कुछ सोचना नहीं है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, सो योर इज़ बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अपना 44,100, ये जो लेवल आपको पता होगा लास्ट हम 4-5, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे एक चीज़ क्लियर था, 44,100 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा तभी ही हम बाई साइड पर सोचेंगे, वरना उसके पहले हमारे लिए बाइंग के लिए बैंक निफ्टी नहीं है। आज लास्ट लास्ट में गया है तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, कल फ्लैट खुले या गैप अप खुले 44,100 के ऊपर सस्टेन होना, 44,100 44,000 नहीं,
44,100 के ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो सस्टेन करता है तो आपको 44,400, 44,500 तक के लेवल्स एंड इनफैक्ट एक न्यू हाई के लिए बैंक निफ्टी भी रेडी होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि आएगा आपका 44,600 के आसपास। तो इसके लिए भी बैंक निफ्टी रेडी है, निफ्टी भी रेडी है न्यू हाई के लिए। और कल हमने एक ट्रेड सजेस्ट किया था, जो मैंने किया है, मेरा कोई, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो जो भी आप करते हो मेरा कॉपी अगर कोई कर रहा है तो वो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के करें। 18,650 का सीपी दोनों 145-150 के आसपास मिल रहा था, आई गेस उतने ही प्राइस पे हमने कल परचेस किया था उसे। एंड आज क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो वही प्राइस के आसपास हुआ है, कोई बहुत बड़ा या ऊपर या बहुत बड़ा नीचे नहीं गया है। मॉर्निंग में हल्का सा आपको एक डिप के कारण थोड़ा सा लॉस दिख रहा होगा, लेकिन कोई बहुत चेंजेस नहीं आया है। एक ही ट्रेड हमने लिया है, 170 के आसपास अभी वो क्लोज हुआ है, 20 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब जो भी अगर लिया है किसी ने मेरे देखने पर या मेरे बताने के ऊपर, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को 130-120 के आसपास आप ट्रेल कर दीजिए। अब थ्रू आउट द ट्रेड आपको 20 से 30 पॉइंट का ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है, तो एक ही दिन के अंदर अगर 20 से 30 पॉइंट का ज़्यादा का लॉस हो रहा है हम निकल जाएंगे। वरना 200 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 220, 240, 260 इवेंचुअली हम उसको ट्रेल करता चले जाएंगे। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू कल के लिए। मेजर कोई ऐसे बाइएस्ट लेके हायर साइड या लोअर साइड लेके जाना मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं होगा। गैप अप खुले तो फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड ऊपर की तरफ हो जाएगा, गैप डाउन बहुत बड़ा खुल गया तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो जाएगा, फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा मूवमेंट होने के चांसेस है। लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, 18,800 के ऊपर टिकना चाहिए हायर साइड के लिए, 18,775 के नीचे टिकना चाहिए लोअर साइड के लिए। एंड बैंक निफ्टी में 44,100 इज योर डू एंड डाई लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है देन इट्स पॉजिटिव, इसके नीचे अगर जा रहा है देन इट्स नेगेटिव। 2-2.5 बजे तक के लिए ही है ये एनालिसिस, 2-2.5 बजे के बाद आपको खाली ये देखना है कि ऑप्शन बायर कहाँ पर ट्रैप हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी 44,400-500 के आसपास आ चुका है तो कहीं ना कहीं वो हायर साइड पे ही और खींचेगा उसको, ऑप्शन बायर को और ट्रैप करेगा, ऑप्शन सेलर को और ट्रैप करेगा, मार्केट एक तरफा ऊपर जाएगा। नीचे आता है तो नीचे भी जा सकते हैं, या फर्स्ट हाफ पॉजिटिव होके सेकेंड हाफ नेगेटिव भी हो सकता है। तो कल जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है अगर वो ट्राई करें तो, लेकिन 2-2.5 बजे के बाद ही, उसके पहले नहीं करना। एंड उसके में अंदर भी जब आप हीरो जीरो कर रहे हो तो आपका डे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगर आपका डे स्टॉप लॉस 5 के, 10 के, 20 के, जो भी आपका डे स्टॉप लॉस है एक हीरो जीरो के अंदर, उससे ज़्यादा का लॉस आपको नहीं लेना है, वरना आप वो ख्वाबों में बहते जाओगे 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40 करने में, एंड फिर आपका अकाउंट को भी 30 का 20, 20 का 10, 10 का 0 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं। धन्यवाद।